खबरें आपको विस्तार से दिखाएंगे। राजधानी से खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं सबसे पहले, जिसमें शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बीजेपी ऑफिस में थोड़ी ही देर में होगी बैठक। अब बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष इस बैठक की अध्यक्षता करने जा रहे हैं। सभी राज्यों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में व्यवस्था के लिए सबको सौंपी जाएगी बड़ी जिम्मेदारी। रविवार को शाम 7:15 पर शपथ ग्रहण होना है। भव्य ये शपथ ग्रहण, जिसको और भव्य बनाने के लिए तमाम अतिथि जो यहाँ पहुंचने वाले हैं उसको लेकर बीएल संतोष एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। राज्य के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। सबको बड़ी जिम्मेदारी दी जानी है। ये बीजेपी एनडीए के लिए एक बड़ा मौका है, क्योंकि आप 6 दशक के बाद आप कैसे कह सकते हैं कि 60 सालों के बाद ऐसा मौका है जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं मोदी। जवाहरलाल नेहरू के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी ये रिकॉर्ड जा रहा है, जिसमें तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लेंगे। और इसी तैयारी में अब बीजेपी जुटी हुई है कि इस शपथ ग्रहण को भव्य बनाया जाए। पवन गौड़ और जानकारी देंगे शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई। पवन गौड़, देखिए लगातार बैठकें चल रही हैं, क्या बीजेपी एनडीए की बैठक, वहीं विपक्षी दल भी लगातार बैठकें कर रहे हैं, लेकिन अगर बात हम शपथ ग्रहण की करें जो रविवार को होगा, इसको और भव्य रूप देने के लिए और बड़ा बनाने के लिए दूसरे राज्यों दूसरे देशों के भी यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे और यहां देश से भी कई बुद्धिजीवी इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। 7 से 8 हजार लोग इस शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं। इस पर आप बारीकी से हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, किसको बड़ी तैयारी की जिम्मेदारी दी जानी है आज। देखिए कल यानी 9 जून को शाम को 7:15 पर प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेंगे और तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ऐसे में बीजेपी के द्वारा तैयारियां जो है भव्य की जा रही हैं, बहुत बड़े स्तर पर की जा रही हैं। तकरीबन 8,000 से ज्यादा जो है वो उसमें जो अतिथि हैं वो शामिल होंगे, विदेशी मेहमान शामिल होंगे, चाहे वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बात करें, मालदीव के राष्ट्रपति की बात करें, नेपाल के प्रधानमंत्री की बात करें, श्रीलंका के राष्ट्रपति की बात करें या मॉरिशस के प्रधानमंत्री की बात करें, तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं कई सारे देशों के वो उस समारोह में शामिल होंगे। उनके अलावा पूरे देश भर से तमाम जो लोग हैं विशिष्ट अतिथि हैं वो उसमें शामिल होंगे। तमाम जो पद्म पुरस्कार जो विजेता हैं वो उसमें शामिल होंगे। उनके साथ साथ जो रेट माइनर्स हैं उत्तराखंड के वो उसमें शामिल होंगे। तो पूरे एक भव्य बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। उसको लेकर आज बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने एक तैयारियों को लेकर बैठक बुलाई है कि किस तरह से शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी करनी है, किस तरह से जिम्मेदारियां सौंपनी है, क्योंकि पूरे देश भर से कार्यकर्ता और तमाम अतिथि हैं वो वहां उस बैठक में शामिल होंगे। तो उसके लिए यहां जिम्मेदारी सौंपी जानी है, क्योंकि जो कोई अगर तमिलनाडु का आदमी है, अगर दिल्ली के किसी व्यक्ति के पास सिर्फ अगर तैयारी की जिम्मेदारी होती है तो कैसे तमिलनाडु के व्यक्तियों से वो कोऑर्डिनेट करेगा, कैसे बातचीत करेगा, क्योंकि भाषा एक बहुत बड़ा बैरियर सामने खड़ा हो जाता है। तो ऐसे में उन राज्यों की जिम्मेदारी जो है, हर राज्य से प्रतिनिधि बुलाए गए हैं, तो सब जैसे तमिलनाडु से कोई गेस्ट आएगा तो उनकी जिम्मेदारी संभालने की तमिलनाडु के प्रतिनिधि की होगी, केरल से कोई गेस्ट आएगा तो उसको संभालने की जिम्मेदारी केरल के प्रतिनिधि की। विदेशों से भी आने वाले मेहमान जिनको लेकर ये जो शपथ ग्रहण समारोह होगा इसको बड़े लेवल पे ग्रैंड लेवल पर करने की बीजेपी की तैयारी है, जिसके लिए लगातार बैठकें चल रही है। बड़ी जिम्मेदारी पार्टी के लोगों को दी जानी है कि किस तरह से शपथ ग्रहण को भव्य बनाया जाए। शुक्रिया आपका पवन गौड़ जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए दर्शकों को बता देते हैं कि देखिए पीएम मोदी कल जो शपथ ग्रहण समारोह होना है उसमें भारत के पड़ोसी और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जाना है। श्रीलंका के राष्ट्रपति हों, मालदीव के राष्ट्रपति हों, डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति हो अहमद अफीफ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हों शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री हों प्रविंद कुमार जुगनूथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे हिस्सा लेंगे इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह। अब इनके स्वागत की तैयारियां और ये शपथ ग्रहण जो जहां पर 8,000 से ज्यादा मेहमान पहुंचेंगे, इनकी तैयारियों को अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। अब शपथ समारोह के बाद राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से आयोजित भोज में भी मेहमान शामिल होंगे। और अब आपको ये बता देते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं आज। कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के साथ ये अहम बैठक आज होनी है।
उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न होने के बाद, नतीजे आने के बाद ये पहली और बेहद महत्वपूर्ण बैठक जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी करेंगे। लोकभवन में सुबह 11 बजे बैठक होनी है। अब विपक्ष की बैठकों का दौर भी लगातार चल रहा है, इस पर आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं कि सपा संसदीय दल की बैठक भी आज होने वाली है। सुबह 11:30 बजे सपा ऑफिस में बैठक होगी और नए सांसदों के साथ बैठक करने वाले हैं अखिलेश यादव। कल यानी कि रविवार के दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे तीसरे कार्यकाल की, उस दिन अपने हारे हुए प्रत्याशियों के साथ समीक्षा करने वाले हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के लिए आज और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण। आज जो प्रत्याशी जीते हैं 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है उत्तर प्रदेश में, उनको बधाई देना, उनके साथ मुलाकात करना, आगे की रणनीति तय करना, इन सब विषयों पर चर्चा होनी है आज की बैठक में। और कल उन प्रत्याशियों के साथ मुलाकात होगी अखिलेश यादव की जो हार गए हैं। इस पर और जानकारी हमारे सहयोगी राजीव देंगे। राजीव, सुबह 11:30 बजे अखिलेश यादव की बैठक लेने वाले हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि नतीजे आने के बाद बैठकों का दौर चल रहा है। आज की बैठक काफी अहम कह सकते हैं आप, क्योंकि आज उन सांसदों के साथ मुलाकात होनी है जो नवनिर्वाचित सांसद हैं, जिन्होंने बीजेपी के खेमे से सीटें छीनी है, जिसमें महत्वपूर्ण सीटें हैं, अयोध्या भी सीट है, और कल उन सांसदों के साथ मुलाकात होनी है जो अपनी सीटें गंवा चुके हैं। तो आज की बैठक की बड़ी बातें देखिए, यकीनन अखिलेश यादव के नेतृत्व में ये पहला मौका है जब समाजवादी पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 37 लोकसभा सीट जीतने में कामयाब हुई है और यही कारण है कि आज अखिलेश यादव इन सभी नवनिर्वाचित सांसदों के साथ एक अहम बैठक करेंगे, जिसमें सबसे पहले वो उनको शुभकामनाएं देंगे और फिर मिशन 2027 को लेकर, यानी कि जो आगामी के तमाम चुनाव हैं उनको लेकर किस तरह से सपा के पक्ष में माहौल बनाना है, किस तरह से जन मुद्दों, जन समस्याओं को लेकर, जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर, सड़क से लेकर सदन तक सरकार की खिलाफत करनी है, इन तमाम मुद्दों पर रणनीति बनाएंगे। और साथ ही साथ जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता था, जिसके नाम पर राजनीति करती थी, राम के नाम पर, उस अयोध्या में भी मिली ऐतिहासिक जीत के बाद आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं सपा मुख्यालय पर खड़ा हूं, वहां पर तमाम ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जिन पर ये लिखा गया है कि सबके श्री अखिलेश, अयोध्या के अवधेश। ये वही अवधेश प्रसाद हैं जिन्होंने अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लल्लू सिंह को हराया है। ये माना जा रहा था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद एक बड़ा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा और अब की बार 400 पार का जो नारा है वो साकार होगा, लेकिन जो परिणाम आया है खासकर उत्तर प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदों के विपरीत आया और यहाँ पर विपक्ष को एक बड़ी जीत मिली है। समाजवादी पार्टी के ऐतिहासिक की बात करें तो सिर्फ सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में भी एक बार 39 सांसद जीते थे, ये दूसरा मौका है जब 37 सांसद जीते गए हैं। तो आज वो तमाम नवनिर्वाचित सांसद अब से कुछ देर बाद सपा मुख्यालय पर पहुंचेंगे और यहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव, सांसद डिंपल यादव और जो समाजवादी पार्टी के तमाम कद्दावर नेता हैं वो उनसे मुलाकात करेंगे, उनको शुभकामनाएं देंगे और किस तरह से आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाना है, जनता के बीच में जाना है और ताकि जो भविष्य के चुनाव हैं, चाहे वो उपचुनाव हो या फिर 2027 का जो मिशन है उसे कंप्लीट किया जाए। तो अभी से तैयारियां शुरू कर ली गई हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेताओं और अखिलेश यादव का जोश हाई है, आज बैठक होनी है। राजीव जानकारी हमें दे रहे थे, शुक्रिया आपका राजीव जानकारी के लिए।